हेलो एवरीबॉडी, ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है टेंसेस के ऊपर। लेट्स स्टार्ट अ लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि रूटीन क्या होता है। हमने पढ़ लिया था वर्बल का क्या मतलब है। वर्बल का मतलब होता है जिसमें हमें काम दिखे उस इमेज को, उस इमेजिनेशन को बोलते हैं वर्बल। आज हम क्या पढ़ रहे हैं, रूटीन या रिपीट क्या होता है। हमने ये पढ़ लिया था कि वर्बल का क्या मतलब है, जिसमें क्रिया हो, एक्शन हो, वो है वर्बल। और आज हम पढ़ रहे हैं कि रूटीन का क्या मतलब है। हमारा टॉपिक है रूटीन का क्या मतलब है या रिपीट का क्या मतलब है। रूटीन रिपीट का मतलब ये है, अगर हमारी इमेज इस तरह की है जिसमें हमें काम बार बार होता हुआ दिखता है, ऐसी इमेजेस को हम बोलते हैं रूटीन की इमेज है या रिपीट की इमेज है। एग्जाम्पल देखते हैं, ये कोई टीचर है, ये अपने बच्चों को डेली पढ़ाता है, तो ये इमेज में वर्ब है, टीचर हमें पढ़ाता हुआ दिख रहा है। लेकिन मैसेज क्या है इमेज का, कि ये काम बार बार होता है, तो ये पिक्चर हमें रिपीट होते दिख रही है। तो टीचर डेली पढ़ाता है, लेकिन बार बार होता है, इस इमेज का ये मतलब मैसेज ये आ रहा है, तो ये क्या रूटीन की इमेज है, रिपीट की इमेज है। ये लड़का डेली स्कूल जाता है, यानी कि ये काम बार बार होता है, ऐसा रिपीटेडली काम होता रहता है, तो ये इमेज किसकी है, रूटीन या रिपीट की है। ये सन सूरज दिखाया हुआ है, चारों तरफ पृथ्वी चक्कर काटती है, तो पृथ्वी सूरज चक्कर रोज काटती है, ये इमेज भी क्या है, रूटीन की इमेज है। तो जिस इमेज में हमें काम बार बार होता हुआ दिखता है उस इमेज को बोलते हैं ये इमेज रूटीन की है या रिपीट की है। अब ग्रामर ये बोलती है कि जब हमारे सामने कोई ऐसी इमेज आए जिसमें काम रिपीट दिखता है, रूटीन में दिखता है, इसके लिए या तो फर्स्ट फॉर्म लगानी है या फिफ्थ फॉर्म लगानी है। या तो लगेगी फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म का मतलब होता है एस या ईएस, जैसे प्ले, प्लेज, ईट, ईट्स, गो, गोज। हमें एक और बात ध्यान रखनी है, फर्स्ट वर्ब की हेल्पिंग वर्ब होती है डू और फिफ्थ की हेल्पिंग वर्ब होती है डज, ठीक है। अब फर्स्ट कब लगानी है, जब जिसकी हम बात कर रहे हैं वो आई, यू या प्लूरल है, जिसकी हम बात कर रहे हैं। जैसे मैं बोलता हूँ मैं डेली पढ़ाता हूँ, यानी कि आई, तो लगेगी फर्स्ट फॉर्म। और फिफ्थ कब लगानी है, अगर हम किसी थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात कर रहे हैं, कोई अकेला है, अगर आई है, यू है या ज्यादा लोग हैं, तो हम लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म। और अगर कोई अकेला है तो हम लगाएंगे फिफ्थ फॉर्म। एग्जाम्पल देखते हैं, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। अब इस सेंटेंस में हम मैं की बात कर रहे हैं और ये काम बार बार होता दिखता है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म। आई के साथ लगेगा फर्स्ट फॉर्म, यू के साथ फर्स्ट फॉर्म, प्लूरल यानी कि बहुवचन ज्यादा के साथ फर्स्ट फॉर्म, और अकेले के साथ लगेगा फिफ्थ फॉर्म। तो आई टीच इंग्लिश। वह क्रिकेट खेलता है, तो यहां पर वह की बात कर रहे हैं, बताओ वह एक है कि ज्यादा है, एक है, अकेला है, इसलिए क्या लगाएंगे, फिफ्थ फॉर्म। ही प्लेज क्रिकेट। हम खाना खाते हैं, यहां पर हम बात कर रहे हैं हम बस देखते हैं। अब ये क्या है, वर्बल है और ये काम बार बार होता है, हम खाना खाते हैं, हम ज्यादा है, प्लूरल है, ज्यादा है, इसलिए क्या लगेगा, ईट, वी ईट फूड। अभी हम इसको नेगेटिव करना है, अगर नेगेटिव लिखना क्या लिखेंगे, आई टीच फर्स्ट फॉर्म, आई हेल्प यू, कैन डू डू नॉट टीच इंग्लिश, आई डू नॉट टीच इंग्लिश, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म का हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू, इसलिए मैं क्या कर दिया, इसको नेगेटिव करने के लिए डू नॉट लगा दिया। ही प्लेज क्रिकेट। प्लेज फिफ्थ फॉर्म है, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, डज, तो क्या लिखेंगे, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। ऐसे वी ईट फूड, वी, अब ईट फर्स्ट फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब क्या, डू, तो नेगेटिव क्या बन जाएगा, वी डू नॉट ईट फूड। इसको रिपीट करते हैं, पहली बात क्या, रूटीन का मतलब क्या है, एक ऐसी इमेज जिसमें हमें काम बार बार होता दिखता है उसको हम बोलते हैं रूटीन है, रिपीट है, या फर्स्ट फॉर्म लगेगी या फिफ्थ फॉर्म लगेगी। और फर्स्ट की हेल्पिंग ऑफ क्या है, डू, फिफ्थ की हेल्पिंग ऑफ क्या है, डज। फर्स्ट कब यूज होगा, जब आई, यू या ज्यादा है, फिफ्थ यूज होगा जब थर्ड पर्सन सिंगुलर है। जैसे एग्जाम्पल क्या, टीचर डेली इंग्लिश पढ़ाता है, डेली बच्चों को पढ़ाते हैं, ये पिक्चर रूटीन की है, टीचर अकेले है, तो ही लिखा जाएगा, He teaches English. Negative, he does not teach English. तो ये हमने पढ़ा रूटीन के बारे में कि फर्स्ट फॉर्म लगेगी, फिफ्थ फॉर्म लगेगी, और अगर आई, यू या ज्यादा है तो फर्स्ट फॉर्म, थर्ड पर्सन सिंगुलर है या अकेला है तो लगेगी फिफ्थ फॉर्म। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। विल कवर मोर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।